हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। छोटी काशी मंडी में देश के 1000 पहलवान आपस में भिड़ने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पहली बार कुश्ती की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर संजय यादव ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि कुश्ती प्रतियोगिता में लड़कों की 39वीं और लड़कियों की 22वीं जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन मंडी शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 4 मार्च से 6 मार्च तक होने जा रहा है। प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों से 30-30 पहलवान भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश में पहली मर्तबा ये हो रहा है कि राष्ट्र स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन जिला मंडी के पडल मैदान में हो रहा है। यह प्रतियोगिता 4 मार्च से 6 मार्च 2020 को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंडी में करवाई जा रही है, जिसमें पूरे देश भर के 1000 खिलाड़ियों के साथ साथ 200 ऑफिशियल कोचिज और भारतीय कुश्ती संघ के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर शिरकत करेंगे। लगभग एक्सपेक्टेशन 50,000 जो हमारे कुश्ती को पसंद करने वाले लोग हैं, स्पेक्टेटर्स का हमने लगा रखा है। तो सभी हिमाचल वासियों को मैं इस सबसे पहले तो इस प्रतियोगिता में आने का निमंत्रण देता हूँ। प्रतियोगिता का शुभारंभ 4 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे, जबकि 6 मार्च को जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर इसका समापन करेंगे। वहीं 5 मार्च को जस्टिस धर्मचंद चौधरी भी प्रतियोगिता देखने मंडी आएंगे। हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने बहुत सारी सेलिब्रिटीज को भी यहां पर आमंत्रित किया है, जिसमें विशेष रूप से 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान श्री सुशील कुमार जी और हरियाणा पुलिस में एसपी के पद पर तैनात ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर पहलवान जी, अर्जुन अवार्डी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी, और जो हिमाचल प्रदेश का जिन्होंने WWE में नाम किया है खली जी को भी हमने आमंत्रित किया है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।